हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ब से रिलेटेड है और आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का मॉडल वर्ब्स। स्टूडेंट, मॉडल वर्ब्स को हम यूजुअली हेल्पिंग वर्ब या आपने शायद ऑक्सिलरी के नाम से याद रखा है या आपने सुना होगा। तो आज बेसिकली हम उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। आप किस तरीके से मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं, इसी सारी चीजों को हम यहाँ इस वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स मॉडल वर्ब्स की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, मॉडल वर्ब्स आर एक्चुअली द ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके, या हम जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कहने का मतलब ये है कि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं उनका टेंस डिफाइन करने में। अगर हम टिपिकल मॉडल वर्ब्स की बात करें तो हम यहाँ पर यूज करते हैं लाइक कैन, विल, कुड, शैल, मस्ट, वुड, माइट एंड शुड। इन चीजों को अगर मैं डिटेल में कहूँ तो जो टोटल मॉडल वर्ब की लिस्ट है वो आपके सामने है। आप यहाँ पे शैल और शुड का फॉर्म यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं, माइट, विल, ought to, may, would, should, can, हम ये सारे मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि मॉडल वर्ब जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बिकॉज दे हेल्प द मेन वर्ब इन डिफाइनिंग देयर टेंस। ये मेन वर्ब के टेंस को डिफाइन करने में उन्हें हेल्प करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें इन मॉडल वर्ब्स को किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज करना है, इनका क्या यूजेस है, ये क्या मीनिंग कैरी करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने लिया है कैन,